वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना। आज दिनांक 28 जुलाई 2020 हम मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर जहां तथागत भगवान बुद्ध की उस पाली त्रिपिटक में मूल वाणी संग्रहित है उसी के आधार पर सुत्त पिटक के ग्रंथों से पाली त्रिपिटक के हम यह देशना विशेष रूप से दे रहे हैं। मध्यम निकाय खंड एक इसके एक सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। वर्षावास के काल में भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासिकाएं आदि सभी को ये बुद्ध की देशना बुद्ध का ज्ञान शेयर करें इस भावना से ये विशेष धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्म लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और लोग सद्धम्म के उस महान ज्ञान से महान प्रभाव से कल्याणमय सुखी शांत जीवन जीते रहे यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध की थी, सभी अर्हत भिक्षुओं की थी। आज हम मध्यम निकाय खंड एक उसमें से ब्रह्म निमंत्रिक सूत्र इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे कल हमने जो जय मंगल अठ गाथा पर कल परसों हमने जो देशना की तो उसमें जो आठवीं गाथा आती है दुग्गाह दिठ भुजगेन सुदट्ट हत्थं ब्रह्मं विशुद्धि जुतिमिद्धि बकाभिधान ज्ञानाग देन विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी। तो यहां पर जो ब्रह्म का उल्लेख आता है बक ब्रह्म ब्रह्म लोक का उल्लेख आता है उसी पर यह सूत्र मध्यम निकाय में ये सूत्र है। तो तथागत भगवान बुद्ध एक बार जेतवन विहार में श्रावस्ती में रहते थे और तब वहां भिक्षु संघ को उन्होंने बुलाया। सारा भिक्षु संघ बुद्ध के पास आकर बैठ गया और तब भगवान बुद्ध ने एक ये बात सुनाई उनको सब भिक्षुओं को कि एक बार तथागत भगवान बुद्ध उकट्ठा नगर के सुभग वन में साल वृक्ष वन में वो विहार कर रहे थे और उसी समय ब्रह्मलोक के एक बक ब्रह्मा उनके मन में जो विचार आया और वो विचार को ये ब्रह्मा के मन में जो विचार निर्माण हुआ और उस विचार को तथागत बुद्ध ने देख लिया, उन्होंने पढ़ लिया कि इनके मन में क्या विचार निर्माण हो गया है। तो ये भी कितना बुद्ध का बल कि ब्रह्मा के मन में जो विचार आता है उस विचार को बुद्ध पढ़ लेते हैं जान लेते हैं। तो बुद्ध ने जान लिया उनके विचार को, पढ़ लिया उनके विचार को और उनके विचार को जानकर कि कैसी गलत धारणा इस ब्रह्म के मन में निर्माण हुई है ऐसा बुद्ध ने जान लिया और जानकर
फिर बुद्ध वहां उनको मिलने के लिए वहां ब्रह्मलोक में बुद्ध जाते हैं। तो ओरिजिनल सूत्र से ही मैं पढ़ूंगा जो मध्यम निकाय में है। एकमिदाहं विकवे समयं उकुटायं विहरामी सुभग वने साल राज मुले तेनकोपन समयेन बकस ब्रह्मनो एव रूपं पापकं दिट्ठिगतं उपन्नं होति। यानी उस ब्रह्म के मन में ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो गई। कौन सी? इदं निच्चं इदं धुवं इदं सस्सतं इदं केवलं इदं अवचन धम्मं इदं ही न जायति न जीयति न मियति न चवति न उपपद्यति इतो च पनंच उत्तरी निस्सरणं नथिति। यानी ऐसा उनके मन में ये भाव निर्माण हुआ कि ये जो है ब्रह्मलोक या ये जो सृष्टि मैं देख रहा हूं ये सृष्टि नित्य है, ये सृष्टि शाश्वत है, ये ध्रुव है, ये न बदलने वाली है और इसका मृत्यु नहीं होता, इसका अंत नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो फाइनल है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं। इस प्रकार का भाव विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। ये जब तथागत बुद्ध ने पढ़ लिया उनके मन को, और तब भगवान बुद्ध अथ को भी कवे बकस ब्रह्मनो चेतसा चेतो परिवितक्कयास्वितक्कम्मयायस्यतापि नाम बलवा पुरुषो समिज्जितं वा बाहं पसारेय पसारितं वा बाहं समिज्जेय एवमेव उक्कुट्टाय सुभगवने साल राज मुले अंतरहितो तस्मिं ब्रह्मलोके पातु रहो सिंह। तो देखो, जैसे हम अपना मुड़ा हुआ हाथ थोड़ा खोल देते हैं या खोला हाथ मोड़ देते हैं, इतने ही अंतर में तथागत बुद्ध वहां से एकदम ब्रह्मलोक पहुंच गए, इतने थोड़े अंतर में। और जैसे वहां पहुंचे तो बक ब्रह्म ने देखकर भगवान बुद्ध का स्वागत किया। बुद्ध को कहते हैं अद्ध साको मंग भिकवे बको ब्रह्मा दूर तो व आगन चंतंग दिस्वान में एतद वोच। जैसे बक ब्रह्मा ने बुद्ध को आते हुए देखा ब्रह्मलोक में तो वो कहता है यही को मारी स स्वागतंग मारी स तिरस सखो मारी स इमंग परिया ये मकासी यदि दंग इधा गमनाय इदंग ही मारी स निचंग इदंग धुवंग इदंग सत्सतंग। तो इस प्रकार बुद्ध वहां पर गए ब्रह्मलोक में। अभी ओरिजिनल मूल वाणी में पढ़ रहा हूं। तो वहां ब्रह्मलोक में बुद्ध जाते हैं, उनका स्वागत ब्रह्मलोक में हो गया। उस ब्रह्म ने उनका स्वागत किया कि आइए आपका स्वागत है, आइए आइए, इस प्रकार से उनको वंदन करके उनका स्वागत किया, बुद्ध का स्वागत किया। और वहां बुद्ध का स्वागत होने के बाद वो कहने लगा कि ये नित्य है, ये नित्य है, ये ध्रुव है, ये शाश्वत है, ये न बदलने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे के वैसे बने रहने वाला है। ऐसी उनकी दृष्टि जो निर्माण हुई थी वो बुद्ध को वहां जाने के बाद भी उन्होंने वही बात जो बुद्ध ने उनके मन की बात पढ़ ली थी वही बात वो बोलने लगी बुद्ध के सामने। इसके बाद अभिजागतो वतभो बक ब्रह्मा अभिजागतो वतभो बको ब्रह्मा यत्र ये नाम अनिच्चेवं एव समानं निच्चति वक्खति अद्धुव एव समानं धुवंति उज्जति धुवंति वक्खति अकेवलं एव समानं केवलंति वक्खति चवन धम्म एव समानं अचवन धम्मंति वक्खति। तो बुद्ध ने उनको वहां बोलना शुरू कर दिया। वो मक ब्रह्म थे, सारी ब्रह्म परिषद थी, पूरा ब्रह्म लोक भरा हुआ था। और तब वहां पर बुद्ध कहते हैं कि देखो तुम्हारे मन में जो ये भाव उत्पन्न हुआ, तुम जो सही को सही नहीं मान रहे,
सही को गलत बखान कर रहे हो। आपकी जो दृष्टि निर्माण जो हो गई कि जो अध्रुव है उसे तुम ध्रुव कर रहे हो, कह रहे हो, जो अनित्य है बदलने वाला है उसको तुम नित्य कह रहे हो, न बदलने वाला कह रहे हो, जो नष्ट होने वाला है उसको तुम नष्ट नहीं होने वाला है ऐसा कह रहे हो, जो जीयति मियति उपपद्यति जो उत्पन्न होता है मरता है जीता है इस प्रकार के स्वभाव वाला जो संसार है उसको आप कह रहे हो कि ये मरता नहीं उत्पन्न नहीं होता, ये नित्य है ध्रुव है ऐसा जो कह रहे हो, इस प्रकार का जब वहां पर वार्तालाप हुआ ऐसा बुद्ध ने उनको कहा कि ये ठीक नहीं है आप जो कह रहे हैं। उसके बाद उसी समय मार वहां पर आया, अथको भी कभी मारो पापी मा अय तरंग ब्रह्म पारी सज्जंग अनवा विशितवा मंग ए तदवच भिक्खु भिक्खु मैं तमासदो ऐसो ही भिक्खु ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभु अनभिभूतो अय दत्सु दसो वसवती इसतरो कथा निम्माता सेठो संजिता वसी पीता भूत भयानंग। तो जैसा मैंने वहां कहा उसी समय ये ब्रह्म परिषद में वो परिषद सारा देवता लोगों की परिषद बैठी हुई थी और ये मार वहां पर आया परिषद से और मार कहने लगा कि भिक्खु भिक्खु आप ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ये जो ब्रह्मा है ये ब्रह्मा महाब्रह्मा है, ये अभिभू है, ये दूरदर्शी है, ये कर्ता है, इसने सब ये सभी का पिता है, इस प्रकार ऐसा मत कहो, ऐसा मार उस समय बोलने लगा। उसके बाद वो मार कहने लगा कि आपके जैसे बहुत सारे बुद्धिमान लोग यहाँ पर निर्माण हुए और वो भी निर्माण हुए, वो कहते थे कि हम ज्ञानी है बुद्ध है ऐसे जो लोग निर्माण हुए और वो भी यहाँ पर आए और उसके बाद मृत्यु के बाद वो लोग हीन काया में नीचे लोक में निर्माण हो गए हैं। तो वो बुद्ध को कहने लगा मार कि आप ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, इस प्रकार का वार्तालाप उनका वहां पर हो रहा है। तब एवं अहं उत्ते भिक्खवे मारंग पापी मंग मत्तंग एतदवोच, यानी बुद्ध ने कहा कि देखो जो लोग आए हैं आप जो कहते हैं कैसे बहुत लोग हुए हैं, बहुत ऋषि मुनि हुए साधु संन्यासी हुए हैं, बहुत त्यागी लोग हुए हैं, तो वो और मुझ में बहुत फर्क है और मैं जो बोल रहा हूँ ये सही बात है। इस प्रकार से मार को तथागत बुद्ध ने बताया कि ये जो सारी ब्रह्म परिषद है और सारा देवलोक यहाँ पर है तो आप उन सबको अपने वश में करने का प्रयत्न कर रहे हो, आप उसको सही नहीं बताते हो, सही ठीक नहीं बताते हो या ठीक जानते ही नहीं हो, इस प्रकार का वार्तालाप वहां पर वो हो रहा है। तब एवं उत्ते भिक्खवे बको ब्रह्मा मंग एत दहोच अहं ही मारिस निच्चं एव समानं निच्चन्ति वदामि ध्रुव एवं समानं धुवन्ति वदामि संसत एवं समानं सस्सत तंतीति वदामि। तो बाद में वो बक ब्रह्मा भी बोलने लगा बुद्ध को, ये जो मार भी बता रहे ये सही है, मैं भी यही कहता हूँ, मेरी भी यही धारणा है और मैं भी वही बात को दोहराता हूँ, ऐसा तथागत बुद्ध को वो बक ब्रह्मा वो भी कहने लगा और उन्होंने भी उस बात को दूसरा दिया। तो बाद में अहम फीको ब्रह्मे जानामि सचे पृथ्वी, तो वो कहते कि आप ये पृथ्वी को वायु को और अग्नि धातु पृथ्वी धातु वायु धातु तेजो धातु इसको आप ठीक से नहीं जानते, इस पर जो वार्तालाप हुआ बुद्ध कहते हैं कि मैं भी उसको ठीक से जानता हूँ, मैं भी ये इस विश्व को ठीक से जानता हूँ और सही तरह से जानता हूँ और आपके मन में जो दृष्टि निर्माण हो गई है वो गलत है कि ऐसी कोई चीज यहाँ पर
नित्य नहीं है, ध्रुव नहीं है, परिवर्तन न हो ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे कि परिवर्तन न होने वाली चीजें है ये ठीक नहीं है, इस प्रकार से दोनों का वार्तालाप हो रहा है। फिर अति को ब्रह्मे अयो कायो तंग त्वंग न जानासी, बुद्ध कहते हैं उस ब्रह्मा को कि दूसरी भी जगह है, आप नहीं जानते उसको। तमह जानामी पश्चामी, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें समझता हूं। अथि को ब्रह्मो आभसरा नाम कायो ये तो त्वंग चुतु इधुप पन्नो तस्सते अति चीर निवासे न मा सती पमुठा ते न तंग त्वंग न जानासी न पश्यसी तमहं जानामी पश्चामी। तो ब्रह्मा को बुद्ध कहते हैं कि यही नहीं, तुम इसे ही केवल जानते हो, लेकिन इसके अलावा भी लोक होते हैं, तुम उसे नहीं जानते हो, तुम्हें यही पता नहीं। वक ब्रह्मा, तुम्हें यही पता नहीं कि तुम कहां से यहां पर आए हो। यहां एक अभसरा नाम का एक लोक होता है, अभसरा नाम, वहां तुम थे और वहां से च्युत होकर, वहां से मृत्यु होकर आप यहाँ पर बहुत दीर्घ काल पहले यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आपके वे स्मरण में नहीं आ रहा, आप भूल गए उसको, आपको उसकी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं जानता हूं कि आप यहाँ पर कैसे आए हो। तो ऐसे तथागत बुद्ध उस ब्रह्मा को बोल रहे कि मैं जानता हूं, और इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूं, आप तो इस ब्रह्मलोक की बात कर रहे हो, मैं ये भी जानता हूं जो आप नहीं जानते। क्या बताया बुद्ध ने, एवं पी खो अहं ब्रह्मे निवते समसमो अभियाय कुतो निचेय अथ को अहमेव तया भियो अथि को ब्रह्मे शुभ किन्नो नामकायो वेह फलो नामकायो अभिभू नामकायो तंग त्वंग न जानसी न पश्यसी तमहं जानामी पश्यामी। तो वो कहने लगा, दोनों में वार्तालाप चल रहा है, तो ब्रह्म कहने लगा कि बोले आप ये नहीं जानते, आपको नहीं पता, आप तो आपको वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान मुझे है, ऐसा वो ब्रह्म कहता है। तब बुद्ध ने कहा कि नहीं बक ब्रह्मा, जो मैं जानता हूं आप वो नहीं जानते, आप कहां से आए, कहां थे, ये भी मुझे मालूम है, और आप तो भूल गए उसे, और इतना ही नहीं, अब जिस लोक की बात कर रहे हो उसके ऊपर भी जो लोक है उसका नाम है शुभ किन्न नाम कायो, यानी वर्ल्ड सिस्टम। तो शुभ किन्न नाम कायो ऐसी सिस्टम है, वेह फल नाम कायो ये भी है, ये भी एक लोक है, शुभ किन्न ये भी एक लोक है, और अभिभू नाम कायो ये भी और ऊंचा लोक है। तो बक ब्रह्मा, आप तो उन्हें नहीं जानते, आप केवल इसे ही जानते हैं, और इसे ही जानकर ऐसी दृष्टि बना बैठे हैं कि यही सब कुछ है, इसके बाद और कुछ नहीं, ऐसी जो आप दृष्टि बना बैठे हैं ये दृष्टि आपकी सही नहीं है, ऐसे बुद्ध उनको बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने और भी बताया कि और कैसे कैसे लोग है, वे फले, तो यहां पर लंबा सूत्र है वैसे, और इसमें चर्चा चलते चलते फिर वो बात यहां पर आ गई, सचे कुमारी सब सब ते ननुभूत तद विज्ञाय मा हेवते रित कमे अहोसी तुच्छ कमे व अहोसी विज्ञान अनि दस्सनं अनंतं सब्बतो पभंग तं पथविया पथवत्तेन अननुभूतं आपस आपत्तेन अननुभूतं तेजस तेज तेजत्तेन अननुभूतं वायस वायत्तेन अननुभूतं। तो बुद्ध कहने लगे कि आप नहीं जानते, आप तो पृथ्वी की बात कर रहे हो, वायु की बात कर रहे हो, लेकिन विज्ञान जो है चेतना कॉन्शसनेस को आप नहीं जानते। कॉन्शसनेस ये वायु से अलग है, पृथ्वी से भी अलग है, ये तेज अग्नि धातु से भी उसका अलग स्वरूप होता है। तो इस प्रकार का जो विज्ञान का स्तर है उसकी जो वास्तविकता है उसको आप ठीक से नहीं जानते,
ऐसा बुद्ध ने उनको कहा। और वो कहने लगा कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं भी विज्ञान को जानता हूं। ऐसी बात हुई। फिर बात होने पर अंत में वो बक ब्रह्मा कहने लगा कि देखो, मैं आपके सामने अंतरदायी होकर बताता हूं, यानी अदृश्य होकर बताता हूं, और फिर देखो मेरा प्रभाव। ऐसा वो उनको कहने लगा। सारी ब्रह्म परिषद बैठी है, मार वहां बैठा है, वहां पर है, और ये जो बक ब्रह्म उनको कहता है कि मैं अंतरदायी होकर मैं आपको बताता हूं कैसे मैं शक्तिशाली हूं और कैसे मैं यहां से अंतरदायी हो सकता हूं, तो मैं बता सकता हूं। तो बुद्ध ने कहा बताओ, बताओ अंतरदायी होकर। तो उसने प्रयास किया कि मैं गायब हो जाऊं, मैं अदृश्य डिसअपियर हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं। तो प्रयास करता है वो बक ब्रह्मा, लेकिन वो कोई अदृश्य हो नहीं पाता है, वो वहां के वहां ही है, वो हिलता डुलता नहीं, वहां के वहां ही अदृश्य नहीं हो पाता है। वो प्रयास करता है बार बार, बोलता है कि मैं अभी करके दिखाता हूं, मैं अंतरधाई अंतर्धामी मतलब होकर दिखाता हूं, गायब होकर दिखाता हूं, डिसअपियर होकर दिखाता हूं। तो प्रयास कर रहा, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो बुद्ध ने देखा, देखो बक ब्रह्मा, तुम नहीं हो सकते, नहीं हो रहे हो। और फिर बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें वो दिखाता हूं कि कैसे डिसअपियर होते हैं और कैसे दूसरे लोग होते हैं। इस प्रकार का संवाद होकर फिर बुद्ध उनको बोलते हैं, बुद्ध बताते हैं कि अहं भिक्खवे बक ब्रह्मानं एतदवोच हन्द चरहि ते ब्रह्मे अंतरधायामि। रुको, मैं अंतरधायी होकर मतलब डिसअपियर होकर बताता हूँ। हन्द चरहि मे त्वमारिस अंतरधायेषु सचे विसहसि, अथ को अहं भी कवे तथा रूपं इद्धा भी संखारं अभी संखासी एतावत्ता ब्रह्मा च ब्रह्म परिसा च ब्रह्म पारिसज्जा च सद्धं च मे सोसंति न च मं दखंती। तो मैंने उनको कहा कि देखो, मैं अदृश्य होकर दिखाता हूं, और जब तथागत बुद्ध वहां से डिसअपियर हो गए, अदृश्य हो गए, और अदृश्य होकर सभी देखने लगे, सारे ब्रह्म देखने लगे, ब्रह्म परिषद देखने लगी, सभी देवता लोग देखने लगे। तो बुद्ध कहते कि वो मेरा आवाज सुन सकते थे, मैं जो बोलता था, मैं बताता था, वो सुन सकते थे, लेकिन मुझे देख नहीं सकते थे, मुझे देख नहीं सकते थे। इस प्रकार का मैंने वहां पर अपना जो इद्धा भी संखार ऐसा जो वृद्धि का प्रयोग मैंने वहां पर किया, और मैं वहां अदृश्य हो गया, वहां पर ही मैं था, लेकिन वो कोई मुझे देख नहीं पाते थे, और केवल मेरा आवाज वो सुन पाते थे। और फिर उसके बाद वो इतने प्रभावित हो गए, सारा ब्रह्मलोक इतना प्रभावित हो गया। भवे बाहं भयं दिस्वा भवंच विभवी सिनं भवं नाभिवदिं किंची नंदिंच न उपादियं। अथ को भिक्खवे ब्रह्मा च ब्रह्म परिसा च ब्रह्म परिसज्जा च अच्छरीय यभूतं तं चित्त जाता अहेसु अच्छरीयं वतभो अभूतं वतभो समनस्स गौतमस्स मैद्धिकता महानुभावता। तो वो सारे आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित होकर बोलने लगे कि अद्भुत है, अद्भुत है, तथागत भगवान बुद्ध का बल अद्भुत है। भगवान बुद्ध एक बहुत महान ज्ञानी है, और हमसे भी कहीं गुना बड़े हैं। इस प्रकार का उन्होंने साधुवाद दिया, और महानुभावता का उन्होंने अभिनंदन किया, और कहा कि अभूत अच्छर्यंग वतभो अभूतंग वतभो, कितना आश्चर्य है ये, कितनी अद्भुत बात है ये, कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है कि श्रमण गौतम कितने महान रिद्धिशाली है, कितनी महानुभावता श्रमण गौतम में भरी हुई है। और इसके
इस जैसा व्यक्ति हमने कभी देखा नहीं। कहते हैं वो नतो बतो इतो पुब्बो दिट्ठो, मैंने कभी हमने कभी ऐसा देखा नहीं, कभी हमने ऐसा सुना नहीं। अयो समरोवा ब्राह्मणोवा एवं महिद्यको, कि कोई श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार का महान रिद्धिशाली हुआ है, हुआ था, ऐसा हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। एवं महिद्यको एवं महानुभावो यथायं समनो गौतमो शक्य पुत्रो शक्य कुला पब्बजितो भव रामाय वतो भो पजाय भवरताय भव समुदिताय समूलं भवं उदब्बहीति। कि ऐसे रास्ता बताने वाले, निर्वाण का रास्ता सिखाने वाले, कि जो सही मायने में न बदलने वाला है, न खत्म होने वाला है, ऐसी जो अवस्था निर्वाण की, कि जहाँ जीवन मृत्यु से वो छूट जाते हैं, ये अवस्था बताने वाले कोई नहीं हुए। इस प्रकार उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का अभिनंदन किया, उनको धन्यवाद माना। और फिर मारा कहता है कि देखो, आप जो ज्ञान को जानते हो वो ज्ञान आप लोगों को मत बताओ। आप यदि लोगों को बताएंगे तो आप स्वयं बहुत हीन अवस्था में मतलब जन्म लेंगे, ऐसा बताते हैं। और जिसने ऐसा बताया पहले तो वो ये लोगों को मत बताओ, ऐसा वो मार उनको कहता है। तो बुद्ध कहते कि मार, ये तो तू सभी को अपने काबू में लेने का प्रयास करता है। मार का मतलब मृत्यु राज, क्योंकि देवता की मृत्यु होती है, इस ब्रह्म लोक की मृत्यु होती है। ये जो तथागत बुद्ध बताते हैं कि हर लोक में जीवन है, मरण है, केवल दीर्घ आयु लंबी उम्र होती है, लेकिन वहां से भी वो डिसअपियर होकर, वहां से च्युत होकर किसी दूसरे स्थल में, दूसरे जन्म में चले जाते हैं, दूसरे योनि में चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आवागमन तथागत बुद्ध ने खोज निकाला, जो बताया, ये बड़ा अद्वितीय था। और फिर उन्होंने भी मान लिया, बक ब्रह्मा ने भी मान लिया कि जो बुद्ध बताते हैं ये सही बात है। और इस प्रकार का उनका वार्तालाप होकर कि बुद्ध कहते हैं कि मैं जो रास्ता दिखाता हूँ वो तो दुख मुक्ति का रास्ता है। तथागतस्य आसवा संकिलेसा पुनोभविका सदरा दुख विपाका आयतिं जाति जरा मरणिया ते पहिना उच्छन्न मुला ताला वत्तुकता अनभावंकता आयतिं अनुपाद धम्मा। मैं जो रास्ता बताता हूँ कि वो पूरी तरह से मुक्त होने का रास्ता, जहाँ दुख से मुक्ति है, भव चक्र से मुक्ति है, जीवन मरण से मुक्ति है, और अनंत अनंत ऐसे निर्वाण का जहाँ साक्षात्कार है, जहाँ सारे आश्रव नष्ट हो जाते हैं। पहिना उच्छिन्न मूला ताला वो तुकता, वो प्रहीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा रास्ता जो मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार का उनका वार्तालाप हुआ। और उसके बाद बुद्ध वहां से और धरती पर चले आए। और ये जो संवाद है इस ग्रंथ में, ये सही में एक बड़े खोज की बात है, बड़े संशोधन की बात है। ये सूत्र खोजते खोजते मुझे सूत्र मिला, और जब ओरिजिनल मुझे मिला, मुझे लगा कि ये सूत्र की वास्तविकता हमारे भिक्षु भिक्षुणियों को, उपासक उपासिकाओं को, सभी को हम शेयर करें कि ये बुद्ध का जो ज्ञान है, ये ज्ञान ओरिजिनल बुद्ध के समय घड़ी हुई ये बातें हैं, और ये ओरिजिनल ज्ञान शेयर करें, पता चले हमारे भिक्षु भिक्षुणियों को कि बुद्ध का ओरिजिनल ज्ञान कैसा है, कितना कल्याणकारी है, कितना दुख से मुक्त कराने वाला है, वर्तमान जीवन में ही अनंत सुख शांति देने वाला एक एक स्तर की सुख शांति है, उपासकों के लिए भी, उपासिकाओं के लिए भी। जो अवस्थाएं है अरहतों की अवस्था, वो तो भिक्षुओं के लिए है, लेकिन उसके नीचे वाली जो अवस्था होती है, श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था, ये तो उपासक उपासिकाएं उस अवस्था का साक्षात्कार करके बहुत कल्याण का जीवन जीते हैं। और उससे ऊपरी अवस्था अरहत, अरहत अवस्था कोई उपासक उपासक उपासिका कभी नहीं प्राप्त कर सकते।
उपासक उपासिकाओं को यदि अर्हत अवस्था को प्राप्त करना है तो उन्हें घर बार छोड़ना ही पड़ता है, और घर बार छोड़कर सन्यासी बनकर प्रवज्जित होकर तभी वो उस अवस्था का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी तथागत बुद्ध की वाणी है। और आज वर्षावास के काल में ये जो ओरिजिनल बुद्ध का संवाद वो जिस मध्यम निकाय के ग्रंथ में है, वो ग्रंथ मध्यम निकाय इसको कहते खंड पहला यानी पहला भाग, वहाँ ये सूत्र है। आप भी ओरिजिनल देखिए और समझने का खोजने का ही हमें प्रयास करना है, जानने का प्रयास करना है। उस रास्ते से ज्ञान के रास्ते चलकर अपने को अपना कल्याण करना और सभी का कल्याण करना है, इसी में सबका मंगल है। आप सबका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, आपको दीर्घायुष्य मिले, सुखी मंगलमय जीवन मिले, यही मंगल मैत्री। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरू।